देख सकते हो दोस्तों, ये स्टंट तो लोग हैं लेकिन इसमें हम देख सकते हो ये बहुत पुराना माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे द पूर्वांचल बॉय में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप लोग को हम बता दें, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं यार, जो बहुत हमारे चैनल से उनका लगाव है, बहुत मतलब हर वीडियो को हम लोग को देखते हैं। अगर आप लोग भी नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें और शेयर और लाइक का सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको बता दें कि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट किए हमारे एक वीडियो पर कि मनोज भाई आप इतना हॉन्टेड वीडियो बनाते हो तो अपने मतलब तुम अकेले जाके पूरी कब्रिस्तान में फुल नाइट चैलेंज करके दिखाओ। तो उनकी मतलब उन्हीं का जो वीडियो का जो कमेंट किए हैं उन्हीं के हम आज स्वीकार कर रहे हैं, उनको चैलेंज दे जो किए हैं, जाके दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है कब्रिस्तान में। हम यहाँ से 100 मीटर अंदर एक कब्रिस्तान है जो पूरा हॉन्टेड है, बहुत बहुत पुराना हुआ है और बहुत हंटेड है। यहाँ पे कोई रात को तो घूमता नहीं है। आप लोगों को बता दें कि इस टाइम करीब दिखा दे रहे हैं आप लोगों को लाइट टाइम 10:09 हो रहा है। आप लोग देख सकते हो 10:09 हो रहा है। इतनी रात को हम सिर्फ यहाँ पे अकेले आए हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ से 100 मीटर अंदर कब्रिस्तान है और हमारे बगल में जो हम अपनी बाइक लेके आए हैं यहीं पे खड़ा किए हैं। यहाँ एक हाईवे है, आप लोगों को बैकग्राउंड में आप आवाज़ आ रही होगी बाइक की, गाड़ी जा रही हुई। तो हम आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान बहुत हॉन्टेड है। ये कब्रिस्तान के नाम से आप तो जानते ही होंगे कि कब्रिस्तान क्या होता है। कब्रिस्तान मुसलमान लोगों का जो है वहाँ पर अपना जो भी जो डेड कर दिया जाता है ला के उसको गाड़ दिया जाता है यहाँ पर ज़मीन के अंदर, उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। उसी चीज़ को हम आज खुद अकेले आए हैं और आप लोगों को दिखाएंगे चल के अंदर कब्रिस्तान के अंदर। पूरा कब्रिस्तान दिखाने के बाद आप लोगों को वहाँ चैलेंज, कब्रिस्तान के ऊपर बैठ के हम चैलेंज देंगे आप लोगों को कब्र के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, अब हम चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये कब्रिस्तान है। ये इस टाइम तो लॉक है लेकिन इसमें हम ज़रूर घुसने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कहाँ से रास्ता है। ये देखते हैं कहीं से जाने लायक है तो अंदर चलेंगे। रास्ता तो दिख नहीं रहा है, देखता हूँ। ये यहाँ से खुला हुआ है, देख सकते हो ये पूरी कब्रिस्तान है। देख सकते हो यार, कब्र है और इतनी रात को हम इसी जगह इसी कब्रिस्तान में फुल नाइट चैलेंज देंगे। देख सकते हो कितना डेंजरस पेड़ है ये कब्र।
देख सकते हो, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान माना जाता है इसको। और यहाँ का पेड़ भी देख सकते हो, और दिखाते हैं और आगे लोगों को आगे इसी कब्रिस्तान में पूरी रात। ये भी एक कब्र है, ये पूरी यहाँ पे एक सिर्फ कब्र है। यहाँ देख सकते हैं जो है बीच में किसी का है कब्र है, जो चादर तो चढ़ाया गया है हम देख सकते हो। किसी का कब्र है, ये कब्र है। इसी से थोड़ा सा हट के जो थोड़ा जंगल टाइप का है उस जगह पे जाके हम पूरी नाइट चैलेंज देंगे। ये देख सकते हो ये कब्र है, सब तो पूरा कब्री है, देख सकते हो। पूरा ये कब्रिस्तान है और मैं इसी कब्र के सामने यहीं पे करने वाला हूँ। देख सकते हो ये पूरा दोस्त कब्रिस्तान है, जिस जगह पे है ये पूरा कब्रिस्तान है, जिस जगह पे हम आए हैं। आप देख सकते हो ये कब्र है जो लग रहा है कि अभी हाल ही में यहाँ पे दफनाया गया है, आप देख सकते हो। और इतनी रात को करीब ये है अभी, देख सकते हो यार दोस्तों, अभी नया नया यहाँ पे लग रहा है कि अभी कोई लाश गाड़ी गई है। सब देख सकते हो कब्र है, मेरे पास आसपास कोई नहीं है, आप देख सकते हो। सिर्फ मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ। ये भी एक कब्र है, ये पूरा यहाँ पे जो भी है इस गेट के अंदर पूरा कब्र है, आप सुन सकते हो, बस आवाज़ ही आवाज़ आ रहा है। आपको दिखा दें, ये कुछ पुराना कब्र है और ये कुछ नए हैं सब। हम देख सकते हो आप लोगों को, और आगे दिखाते हैं कि जितना है पूरा यहाँ कब्रिस्तान है और कब्र है। देख सकते हो ये भी कब्र है, कुछ बारिश होने की वजह से यहाँ पे बहुत खांच हो गया है, पानी वानी बहुत ज़्यादा पड़ गया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी देख सकते हो कब्र है, ठीक है। मैं इसी कब्र के सामने मैं पूरी नाइट चैलेंज देने वाला हूँ, कैमरा फिक्स कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा, लाइव रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं कैमरा फिक्स कर दिया हूँ, आप देख सकते हो ये जो कब सामने कब्र है इसी के सामने मैं बैठने वाला हूँ पूरी रात, पूरी नाइट चैलेंज दूँगा आज।
आप लोग बने रहिए। हर दोस्तों मेरे साथ आज कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर जो है बोला था कि आप अकेले जाके पूरी नाइट चैलेंज दीजिए, तो आज मैं इस जगह पे मैं अकेला हूँ बस, और कोई नहीं है। बगल में हाईवे की हो सके तो आवाज़ आ सकती है गाड़ी उड़ी की, लेकिन पीछे कुछ आवाज़ आ रहा है। बहुत अजीब सा घबराहट हो रहा है, जानवर भी रो रहे हैं यार। अभी पीछे सच बताएं तो दोस्तों अंदर से बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत गर्मी भी, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे। जिंदगी में दोस्तों सच बताएं तो पहली बार ऐसा चैलेंज दिया हूँ, शमशान घाट में चैलेंज दिया था, लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर जो है उनकी जिद के लिए हमने बस इस चैलेंज को स्वीकार किया है। और कम से कम बता दें आपको कि एक बज रहा होगा इस जगह पे हमें आए हुए, आया हूँ 9 बजे से ही, और आने के बाद फिर वीडियो बनाते बनाते पूरी वीडियो तो लंबी हो जाएगी, कट कट कर करके बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमको थोड़ा फास्ट मोशन में रख के वीडियो को आप लोग को दिखाना पड़ेगा। करीब 3 घंटे हो गए हमको यहाँ पे आए हुए, जब से आए तब से मतलब बहुत अजीब सा यहाँ पे घबराहट था, मतलब और बहुत हवा और मतलब गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या, चारों तरफ मतलब पेड़ ट्री की आवाज़ आ रही, लग रहा है कोई छोटे जानवर हैं जो आवाज़ उनकी आ रही है। बगल में कभी कभी हाईवे की भी आवाज़ आ रही होगी, आपकी गाड़ी उड़ जा रही होगी, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे हाईवे है।
दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि अभी इधर से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है यार। सच बताएं तो दोस्तों गला सूख रहा है मेरा इस जगह पे, और आज मैं पानी भी ओनी भी लेके नहीं आया हूँ उस जगह पे। लोग कहते हैं ऐसे जगह पे जाने पे मतलब प्रेत आत्माओं का अटैक होता है, जिन्नाद आते हैं। आज चैलेंज करीब धीरे धीरे हमको लग रहा है कि 2 बज ही रहा होगा, 4 घंटे हो गए करीब यहाँ पे हमें बैठे हुए। कब्रिस्तान में आए हमें करीब 4 घंटे हो गए। रह रह के दोस्तों बता दें कि मतलब अजीब सा आवाज़ आ रहा है, कुछ चीखने होने की आवाज़ आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी आवाज़ें आ रही है। ये वीडियो पूरी जो वीडियो बन रहा है पूरी लाइव वीडियो है इससे दोस्तों। 4 घंटे का वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा कट करके फास्ट मोशन में डाल के आप लोगों को पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा यार। अंदर से बहुत ऐसा अंदर से हुआ कि पता नहीं कैसी घबराहट हो रही है यार, मन घबरा रहा है दोस्तों। आसपास यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, इस जगह पे मोर की आवाज़ें आ रही हैं। बगल में कोई लग रहा है कोई मोर बैठा हुआ है, आसपास दिख नहीं रहा है, पेड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन आवाज़ आ रहा है मोर का आ रहा है। इतनी रात को करीब 2 बज रहा है, आप लोगों को आ रहा होगा आवाज़, कुछ तो बोल रहा है, ऐसा लग रहा है मोर पक्षी कोई है, उसी की आवाज़ आ रही है। Vamos a ver la
अभी बता दें आपको, अभी कुछ ऐसा था जो हमें आवाज़ आ रहा था, ऐसा मतलब अजीब सा आवाज़, मुझे घबराहट हुई, मैं सोचा कुछ है, तो उस चीज़ को देखने गया था लेकिन कुछ था नहीं। जानवर की मतलब आवाज़ें आ रही हैं, ha 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 ha